हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का लेक्चर नंबर 15 पढ़ने वाले हैं और इसमें हम एक एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। एग्जांपल है फाइंड द लैग्रांज एंड कोची रिमाइंडर आफ्टर एंटर इन द एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है एक है हमारे पास लॉग 1 प्लस एक्स सेकंड ई टू द पावर बी एक्स। इनमें हमें कोची एंड लैग्रांज रिमाइंडर निकालना है। तो फ्रेंड्स, कोची इनके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो है इनको निकालने के लिए इनका हमें देख रहे हैं कि एंटायर डेरिवेटिव करने पे ये फॉर्म किस फॉर्म में बनता है। तो जैसे एफ एक्स फर्स्ट को चेक करते हैं, एफ एक्स बराबर है लॉग 1 प्लस एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करें तो यहां से हमारे पास डिफरेंशिएट करने पे एफ डैश एक्स बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, सेकंड अगर सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाले एफ डैश एक्स तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस साइन आगे। अगर थर्ड टाइम निकाले एफ फोर्थ टाइम निकाले सॉरी थर्ड टाइम निकाले एफ थर्ड टाइम एक्स तो इसका हो जाएगा हमारे पास 2 आगे एंड 1 प्लस एक्स का क्यूब। अगर फिर टाइम निकालना फिर से फोर्थ टाइम तो हमारे पास इस कंडीशन हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे इसका 2 तो रहेगा ही, इसका कहीं तो माइनस 3 आगे आएगा 2.3 और एक्स टू दी 1 प्लस एक्स टू दी पावर 4 ये हो जाएगा। तो अगर इस तरह से आप डिफरेंशिएट को देखें तो एफ एन टाइम एक्स देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास आ रहा है माइनस 1 की पावर n माइनस 1, यानी कि या तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1, यानी कि जैसे यहाँ पे नेगेटिव नंबर है फोर्थ पे तो 3 पे, यहाँ पे अगर 1 की पावर माइनस 1 की पावर 3 होगी तो नेगेटिव नंबर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2.3 अगले में देखेंगे 2.3 4 आएगा, अगले मतलब फिफ्थ में निकालेंगे तो 2.3.4 आएगा। तो ये है हमारे पास n माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पे देखें तो यह हमारे पास 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन। तो इसका ये एन टर्म डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आएगी माइनस माइनस 1 टू दी पावर एन माइनस 1 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन। अब फिर से ये टर्म हमारे पास आई है तो अब हमें निकालना है कोची रिमाइंडर और लैग्रांज रिमाइंडर दोनों के फॉर्मूले क्या क्या है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में दोनों को जो कोची थ्योरम और उसमें पढ़े थे, जहां पे हमारे पास जो लास्ट का जो फंक्शन रहता है वो कोची रिमाइंडर और लैग्रांज रिमाइंडर रहता है। तो अगर जैसे हम लैग्रांज रिमाइंडर की बात करें तो लैग्रांज रिमाइंडर था हमारे पास एफ एन एक्स सॉरी लैग्रांज रिमाइंडर था एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन एंड थीटा एक्स, ये हमारे पास लैग्रांज रिमाइंडर था फ्रेंड्स। तो यहां से अगर हम बात करें वैल्यू पुट करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल ये तो चले गए, और एफ एन थीटा एक्स तो यहाँ पे एक्स की जगह थीटा एक्स पुट कर देना है, ये हो जाएगा माइनस 1 टू दी पावर एन माइनस 1 और ये हो गया हमारे पास एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स टू दी पावर एन ये हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहां से ये इसको लिख सकते हैं एन डॉट एन माइनस 1 फैक्टोरियल इस टर्म को, तो यहां से इसको काट सकते हो और ओनली एन आ जाएगा, ये हो गया हमारे पास। और इस टर्म को अगर हम लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं माइनस 1 टू दी पावर एन माइनस 1 अपॉन एन और ये हो गया हमारे पास एक्स अपॉन 1 प्लस थीटा एक्स टू दी पावर एन। तो ये है हमारे पास लास्ट इसका जो रिमाइंडर है ये यहां से आ गया, ये हमारे पास लैग्रांज रिमाइंडर है लैग्रांज रिमाइंडर। अब अगर हम बात करें कोची रिमाइंडर की तो कोची रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या था, कोची रिमाइंडर की बात करें तो फ्रेंड्स कोची रिमाइंडर का फॉर्मूला था एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन 1 माइनस थीटा की पावर एन माइनस 1 अपॉन
एन माइनस वन फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई हो रहा था इससे एफ एन टेन थीटा एक्स। तो ये हमारे पास कुछ रिमाइंडर था, तो कुछ रिमाइंडर की वैल्यू पुट करें यहाँ पे एफ एन थीटा की वैल्यू पुट करें तो ये जाएगा एच टू की पावर एन वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन, और ये हो गया माइनस वन टू द पावर एन डॉट एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल तो ये है ही, और यहाँ पे वन प्लस एक्स टू द पावर एन, तो यहाँ पे एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल टर्म जो बची वो बची हमारे पास माइनस वन टू द पावर एन एंड वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन और एक्स अपॉन वन प्लस यहाँ पे थीटा एक्स आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्योंकि हमें यहाँ थीटा एक्स आएगा तो यहाँ पे थीटा एक्स आएगा। इसी तरह से लास्ट टर्म जो थी लास्ट में हमने जो कोचिंग में निकाला था वहाँ पे भी थीटा एक्स आएगा वन प्लस थीटा एक्स टू द पावर एन। तो ये टर्म जो है ये हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ गया। अब फ्रेंड्स इस सेकंड एग्जांपल के लिए सॉल्व करते हैं, तो सेकंड एग्जांपल के लिए जब सॉल्व करते हैं इसको तो सेकंड एग्जांपल के लिए हो जाएगा हमारे पास इसके लिए निकालना है हमें, अगर एफ एक्स की बात करें तो एफ एक्स हमारे पास ई टू दी पावर बी एक्स, एफ वन एक्स की बात करेंगे तो ये आएगा हमारे पास बी ई टू दी पावर बी एक्स, सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर ई टू दी पावर बी एक्स। तो इस तरह से अगर एफ एन एक्स की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास ई टू दी पावर बी टू दी पावर एन माइनस वन ई टू दी पावर बी एक्स, ये हो जाएगा। अब कोची और दोनों के लिए फॉर्मूले वैल्यू रख देंगे, तो लैग्रैन्ज रिमाइंडर क्या था हमारे पास, लैग्रैन्ज वाला रिमाइंडर था वो था एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन थीटा एक्स, तो ये यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल बी टू दी पावर एन और ई टू दी पावर बी एक्स, ये हो गया। ये हमारे पास सिंपली लैग्रैन्ज रिमाइंडर हो गया। अगर कोची रिमाइंडर की बात करेंगे तो कोची रिमाइंडर का फॉर्मूला क्या था, एक्स टू दी पावर एन सी ए यू कोची रिमाइंडर, तो ये हमारे पास एक्स टू दी पावर एन वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल और एफ एन एक्स थीटा। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर एन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल और ये हो जाएगा वन माइनस थीटा एन माइनस वन, और यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये ई टू दी पावर बी थीटा एक्स है। इस तरह से यहाँ पे बी टू दी पावर एन माइनस वन और ये हो गया ई टू दी पावर बी थीटा एक्स। तो इस तरह से कोची और इस तरह से लैग्रैन्ज कोची रिमाइंडर को हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।